आज हम खाएंगे मील सजेस्टेड बाय डोमिनोज एम्प्लॉय एंड देखेंगे कि उन्होंने हमारे को क्या सजेस्ट किया है, हमारे को कितना टेस्टी लगा है। तो भाई साहब रेडी हो? बहुत रेडी हूं। बट ऑब्वियसली उसके लिए हमारे को पहले खाना पड़ेगा, सो लेट्स ईट। ओके, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले हमने कॉल किया था डोमिनोज को पूछने के लिए कि हम पहली बार ऑर्डर करें तो क्या खाएं, उसके लिए पहले आपको वो सुनना पड़ेगा, सो लिसन टू दैट। यस, एक्चुअली मैं पहली बार ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ डोमिनोज से, तो आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि मैं वेजिटेरियन में कौन सा पिज्जा ऑर्डर करूँ? हेलो, तो आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूछूं कि वेजिटेरियन में कौन सा पिज्जा ऑर्डर करूँ मैं? वेज पिज्जा? वेज में बेस्ट क्या होगा, मतलब ऑर्डर करने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए? अच्छा, फार्म हाउस पिज्जा, तो उसके ऊपर क्या क्या होता है? अच्छा, और इस पे और कोई टॉपिंग में लगवाना चाहूँ तो कौन सी लगवा सकता हूँ मैं, आप सजेस्ट करें तो? क्या ऐड कर सकते हैं जो कुछ बेस्ट हो आपके हिसाब से? अच्छा, तो इसमें से आप मुझे एक कुछ बता दो जो मैं ऐड करूँ इसमें जो बढ़िया लगेगा। हाँ, फार्म हाउस के ऊपर एक एक्स्ट्रा टॉपिंग भी बता दो, मैं वो भी ऐड करा दूंगा, तो आप बता दो कि क्या ऐड करा सकता हूँ मैं। या फिर आप एक काम कीजिए सर, वेज एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्जा ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पिज्जा भी एक्स्ट्रा चीज होता है। अच्छा, तो मैं कोई टॉपिंग उस पर नहीं लगवाऊँ आप कह रहे हैं? नहीं, इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम टॉपिंग होती है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे कुछ साइड में भी बता दो कि साइड में मैं क्या लूँ। मैं अकेले ही हूँ, मतलब अकेले ही खा रहा हूँ। आप अकेले हो? हाँ जी। कंजेशन आपकी ठीक है ना सर? आप एक रेगुलर पिज्जा और एक गार्लिक ब्रेड ले सकते सर। अच्छा, गार्लिक ब्रेड कौन सी वाली लूँ जो बेस्ट होगी? स्टफिंग ले लीजिए आप। अच्छा, क्लासिक स्टफ? क्लासिक स्टफ, अच्छा ठीक है। और डेजर्ट में क्या लूँ मुझे बता सकते हैं आप? डेजर्ट में सर आप चोकोलावा है, बटर मस्क केक सेट। आप अपने हिसाब से बता दीजिए, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि बेस्ट क्या होगा, वो बता दो आप। रेड वेलवेट केक ले लीजिए सर। ठीक है, रेड वेलवेट ले लेता हूँ। चलो थैंक यू सो मच, मैं ना ऑनलाइन प्लेस कर लेता हूँ आपके ऑर्डर आपके रेस्टोरेंट से। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। अभी तो आप पेप्सी ले लीजिएगा सर। ठीक है, पेप्सी, अच्छा एक पेप्सी भी ले लूँ? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So it's time for dish number one and भाई साहब इसका नाम और प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। Okay, इसका नाम है क्लासिक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड एंड इसका प्राइस है 159 रुपीस, मतलब 160 रुपए। Yes, तो हमारे को डोमिनोज के एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया था कि हम साइड्स में ये वाली गार्लिक ब्रेड लें, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हमारे को बोलेंगे कि डिब्बी लेनी। Exactly, नहीं लोगों ने, हो सकता है शायद से सिर्फ प्लेन के साथ करते हो, बट ये उन्होंने सजेस्ट किया एंड साथ में उन्होंने ऑब्वियसली बोला था आपने सुना होगा पेप्सी, तो ये साइड में पड़ी हुई। ठीक है भाई साहब, एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूं, आई लाइक गार्लिक ब्रेड। यस, मुझे भी पसंद है एंड ये चीज मैं बताता हूं। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मिशन है जिसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉसिबल कि जो लोग पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो पता करने में कि क्या चीजें बढ़िया है। मुंह में पानी आ रहा है बहुत। गार्लिक में की अलग खुशबू आती है, इसमें एक अलग खुशबू, मतलब ना इसमें गार्लिक दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ अजीब सा पाउडर है, सिर्फ ओरिगानो ही है। यस, लेट्स ईट गार्लिक। तो ये कैसा लगा भाई साहब? मुझे काफी अच्छा लगा। डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड क्लासिक चीज है, काफी सारी टेस्टी है। ये सबको पता है इसमें क्या, देस मोज़रेला, देस जलापेनोज़, देस सम कॉर्न एंड इसका क्लासिक टेस्ट है, तो अच्छा है। तो उन्होंने हमारे को क्लासिक चीज सजेस्ट किया, उन्होंने क्लासिक ब्रेड स्टिक्स नहीं करी, बट मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा यू नो इसको बेचने के लिए थोड़ा पैसे बनाने के लिए वो डिप सजेस्ट करेंगे, बट नहीं करा, नहीं करा, इट इज गुड आई थिंक फर्स्ट। या उसे तो भूल गया। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं दूसरी चीज जो डोमिनोज की एम्प्लॉय ने हमारे को सजेस्ट की थी खाने के लिए, देन देखते हैं वो क्या। लेट्स ईट दैट वन। So it's time for dish number two and भाई साहब अभी हम क्या खाने वाले हैं, इसका नाम और प्राइस प्लीज लोगों को बताओ। Okay, इसका नाम है वेज एक्स्ट्रावेगेंजा पिज्जा एंड इसका प्राइस है 319 रुपीस, मतलब 319 रुपए। ठीक है, तो स्मॉल साइज का प्राइस, स्मॉल साइज है। ठीक है, तो उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया, अब आपको पता क्या बातचीत हुई थी। ठीक है, हमने पूछा कि हमारे को टॉपिंग डलवा लिया, तो पहले बोल रहे थे कि फार्म हाउस लो, फिर हमने बोला कि टॉपिंग डलवाएं कौन सी, तो उन्होंने बोला फिर एक्स्ट्रावेगेंजा लो। अब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पनीर मिसिंग है, पनीर ही नहीं है, आई थिंक वो है रेड पेपरिका नहीं है। हाँ, रेड पेपरिका पनीर मिसिंग है, बाकी इसमें सब कुछ उन्होंने ठूस दिया एंड इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज भी है। ठीक है, तो इस पिज्जा के ऊपर आपको दिख रहा है कि क्या क्या है इसके ऊपर, मशरूम्स हैं, देयर सम टोमेटोस, देयर ऑलिव्स, देन देयर सम अनियंस, देयर ग्रीन बेल पेपर या कैप्सिकम, ठीक है, एंड देन दिस एक्स्ट्रा चीज। ठीक है,
बट इन्होंने एक और चीज हमारे को सजेस्ट नहीं की इसमें क्रस्ट कौन सी डलवाएं। ओके, इन्होंने बेसिक करवा दिया। ये एक अगर कोई डोमिनोज का बंदा देख रहा तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयज आपको पैसा बना के क्यों नहीं दे रहे। अगर चीज बस बोलते तो अच्छा होता है, थोड़ा पैसा और बनता, ठीक है। यही तो यहाँ पर गलती हो जाती है ना, यहाँ पर पैसा हमसे खींच सकते, हम तो दे रहे थे, हम तो रेडी थे, अब ले नहीं रहे। ये नहीं मतलब अच्छे भी हो सकते, अच्छे लोग हैं डोमिनोज बच्चों की होम डिलीवरी, ठीक है। तो ये पिज्जा देख रहे हो कैसा भाई सब, देखने में कैसा, देखने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे इस पर एक भी टॉपिंग अच्छी नहीं लगती, एक भी अच्छी नहीं लगती। तो टॉपिंग तो पसंद कैसे वेज में बता, मुझे वेज में कौन ही पसंद है, सिर्फ कौन है यार। तो सही, तूने कहा एक भी अच्छा, मतलब बाकी सबके ये बंदा बड़ा झूठा यार। मतलब ये भाई साहब पकड़ो पिज्जा खाओ, ठीक है। और मैं भी थोड़ा बड़ा साइज लेता हूँ, सेम है ना साइज, सेम साइज ही सेम साइज है, ठीक है। तो खा के देखते हैं, ये हमने कभी खाया नहीं क्या, ये आई थिंक हमने नहीं खाया, हम वेज पिज्जा ज्यादा नहीं खाते। हाँ मतलब इसको खा के देखते हैं, लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है, वेज एक्स्ट्रा वेगानसा, लेट्स। काफी भरा हुआ है, टॉपिंग्स अच्छी खासी है, जो टॉपिंग्स का टेस्ट आ रहा है वो आपका आएगा, ठीक है। मतलब बाकी पिज्जा में इतना आता नहीं है, इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स का फ्लेवर है, और साथ में उन्होंने बोला पेप्सी जाते जाते, ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा उन्होंने पैसे बनाए, ठीक है। अब ये बॉटल अगर आप बाहर से लोगों को सस्ती पड़ती है, और यहाँ से हमने लिया ये बॉटल कुछ 45 ऐसे कुछ। अब लास्ट चीज जो सजेस्ट की थी, ठीक है, क्या है वो है रेड वेलवेट लावा केक, वो खा के देखते हैं, वो पता है मतलब क्या हो, इसलिए आपने सुना तो हुआ ही है, मतलब सस्पेंस क्या रखा है, वो खा के देखते हैं टेस्ट कैसे बनाया कैसे, लेट्स ईट इट। सो इट्स टाइम फॉर लास्ट डिश फ्रॉम डोमिनोज का मेन्यू, एंड भाई साहब इसका नाम और प्राइस क्या प्लीज लोगों को बताओ। ओके, इसका नाम है रेड वेलवेट लावा केक, एंड इसका प्राइस है 139 रुपीज, मतलब 140 रुपए। यस, एंड इसका बेसिकली क्या होता है, मैंने बड़ी बार ऑर्डर करा है, बट ये हरामी लोग मुझे फोन करके कहते हैं भाई चॉकलेट वाला ले लो, रेड वाला है नहीं, ठीक है। अब आपने खाया तो आपको पता होगा कैसे, बट आज हम ट्राई करेंगे फिर से, क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कुछ और है कि हमारे को ओवरऑल मील कैसी लगी, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। भाई सब देखने में कैसा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, पहले एक बनाना वाला भी आता था ना, कौन से जमाने में रह रहा है, एक था यार इसके साथ ही आया, वो स्वीट थ्रू था भाई, वो स्वीट थ्रू था, ठीक है। मैं मिस कर रहा हूं, अरे भाई ये क्या बनता है, इतनी वीडियोस बना लिए, बंदे ही नहीं पता किस कहां से क्या आ रहा है, ये देखो यार ये रोबोट है, ये भाई साहब स्पून उठा लो भाई, खिलाओ ना, ये पकड़ लिया खा ले यार, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा खा लेता हूँ, एंड मुझे ना रेड वेलवेट बड़ा पसंद है, थोड़ी सी ना इसमें वो जो खट्टा, ओह क्या है भाई, क्या तूने केक निकाला, क्या कर, देख ले नीचे कहीं डब्बा भी ना ले गया साथ में, डब्बा तो नहीं है साथ में, लेट्स ट्राई दिस थिंग एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है। बहुत मुलायम है। तो ये है पूरी की पूरी मील, डोमिनोज के एम्प्लॉय ने मेरे को सजेस्ट की थी, तो भाई साहब कैसा लगा, आई थिंक अच्छा लगा, सिर्फ मुझे पिज्जा थोड़ा ठीक लगा। ये बता तुझे मील कैसी लगी, मील अच्छी लगी, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो बता कि लोगों को कैसा लगा, फिर आई थिंक मील अच्छी लगेगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि पिज्जा इन्होंने सजेस्ट किया, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करो या फिर दूसरी तीसरी बार भी करो तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारी टॉपिंग्स है। इफ यू आर इनटू मतलब वेजिटेबल्स वाले पिज्जा या फिर वेजिटेबल टॉपिंग पसंद है तो आपको पसंद आएगा, अदरवाइज आप स्किप करके दूसरा ले सकते हो, बट वैसे ओवरऑल मील सजेस्ट अच्छी करी, दे सजेस्टेड दिस थिंग एंड अच्छा था। तो अगर आपको ट्राई करना है ऐसे करके, आप पूछना चाहते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। लोगों जाने से पहले भाई साहब क्या करना है, लोगों को बताओ, ठीक है, आपने लाइक करना, शेयर करना, कमेंट, सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना, ताकि अपने नोटिफिकेशन से आप और ऐसी नई वीडियोस देख सको। एंड किसी ने हमारे को कहा है भाई कि थोड़ा धीरे बोला सर, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन उसको दबा देना, जैसे इसकी गुद्दी दबानी हो कभी, ठीक है, तो वैसे दबा देना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, टिल देन टू बी नॉमिनेटेड, टिल देन बाय बाय।